नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई हो बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड, अभी आई हूँ टेरेस गार्डन में और शाम के बजे हैं 4। फ्रेंड आज है छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से रहिए, अच्छे से खुशी से दीपावली मनाइए, मिठाई खाइए और पकवान खाइए और अच्छे से पटाखा भी चलाइए। तो चलिए करते हैं कि आज मैं अपराजिता प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। अभी देखिए अपराजिता प्लांट जो है ग्रोथ अच्छी कर रहा होगा, फ्लावर कम दे रहा होगा, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इससे अभी फ्लावर ले सकते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लाइट भी लगा दी है गार्डन में और थोड़ी थोड़ी जल भी रही होगी, वो भी दिख रही होगी आप लोगों को फ्रेंड। तो लाइट मैंने कल सफाई की थी और कल ही मैंने लाइट को लगा दिया था और अभी थोड़ी सी जैसे 4 बजे हैं तो कम दिख रही होगी आपको। देखिए मैं पास से आप लोगों को दिखाऊंगी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी दिख रही होगी जलती हुई। और इन लाइट को मैंने शाम को लगा दिया था और शाम को मैंने इसलिए नहीं दिखाया था कि अंधेरा हो रहा था और यहाँ पर बल्ब नहीं था। आज मैंने बल्ब भी लगा दिया है और बहुत अच्छे से मैंने अपने गार्डन को डेकोरेट कर लिया, सजा दिया है। तो चलिए मैं बात करती हूँ अपराजिता प्लांट पर, आप फ्लावर कैसे ज़्यादा पा सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी फ्रेंड आप लोगों को कि जो पर्सलेन होती है ना, उस प्लांट पर लोग कहते हैं कि हमारे इसको सेव करके रख दीजिए, अभी इस पर फ्लावर नहीं आएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे इस पर कितने 4 बजे और अभी भी कोई भी फ्लावर नहीं मुरझाया हुआ है और बहुत अच्छे से इस पर फ्लावरिंग हो रही है। ऐसा नहीं है फ्रेंड, अगर आप केयर अच्छे से करेंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावर भी देंगे और ग्रोथ भी अच्छी करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, अपराजिता प्लांट को अगर आपको अच्छी ग्रोथ लेनी है, फ्लावर लेने हैं, तो मिट्टी में आपको मॉइस्चर बना के ज़रूर रखना होगा। और देखिए मैंने इस प्लांट की बहुत अच्छे से टोपियारी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। इसी तरह से इस बेल को आप चढ़ा दीजिए और बहुत अच्छे से ये बेल इसके ऊपर चढ़ के और बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करती है। अगर इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये देखिए कम आते हैं इस पर फ्लावर। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि इस प्लांट पर देखिए कलियां बनने लगी हैं, आप देख सकते हैं। और कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं फ्लावर, अभी आते हैं हमारे प्लांट पर फ्रेंड। अभी भी फ्लावरिंग बराबर हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी थोड़ी कम हो चुकी है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती रहती थी लेकिन अब थोड़ी सी कम हो गई है फ्रेंड। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या इसके अंदर मिट्टी में डालें जिससे अच्छी फ्लावरिंग हो। और एक आपको टिप भी बताऊंगी कि आप क्या क्या इसके अंदर डाल सकते हैं और कैसे इसकी मिट्टी को रख सकते हैं। तो मिट्टी में अगर आपको करूँगी मैं, मिट्टी से बड़ी बात होती है फ्रेंड। अगर आप मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखेंगे तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग बहुत कम होगी। तो इसे आपको मॉइस्चर बना के रखना है तभी पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपका जो पौधा है फूल भी अच्छे देगा। तो है फ्रेंड, देखिए अभी मॉइस्चर आप देख रहे होंगे और गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपके प्लांट में हो गई है और रिपोर्टिंग करनी तो रिपोर्टिंग भी कर सकते, लेकिन अभी ने थोड़ा डर भी लगता है फ्रेंड क्योंकि टाइम आ चुका है। लगता है ठीक है करते हैं अभी, लेकिन अभी डर है। तो इस तरह से गुड़ाई करें तो अच्छे से गुड़ाई कर दें नीचे से, तो इनकी जो रूट है ना वो थोड़ी बहुत कट जाती है तो रूट बाउंड कर पाता है, तो ये भी बात है। तो देखिए इस तरह मैं हमेशा इस प्लांट की गुड़ाई कर सकती हूँ, तो आप भी इसी तरह करिए। और मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना के रखेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे ग्रीन ग्रीन भी रहेगा और अच्छी ये ग्रोथ कर पाएगा।
देखिए फ्रेंड, गुड़ाई करने का फायदा यही होता है कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ी थोड़ी जड़ें भी कट जाती हैं और इस जड़ को बहुत सारी हवा मिल जाती है, पानी मिल जाता है, जो हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, खाद डालते हैं, वो सब इस जड़ों को मिल जाता है। तो इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 से 10 दिन में आप अपने प्लांट की गुड़ाई जरूर कर दें फ्रेंड, बहुत फ़ायदा मिलता है और बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ भी होती है। तो देखिए फ्रेंड, नाइट्रोजन जो होता है ना, जैसे कि आप चाय की पत्ती का पानी डाल सकते हैं, चाय की पत्ती डाल सकते हैं, तो इस तरह से आप नाइट्रोजन की कमी के कारण भी फूल नहीं आते हैं। और अभी हमारे प्लांट पर तो अच्छे से बर्ड्स बन रही हैं फ्रेंड, बहुत अच्छे से अभी मैंने दिखाया आपको। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो देख रहे होंगे आप, चाय की पत्ती का पानी है, इसको मैंने रख दिया था और ये कलर आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा इसलिए कि ये यूज की हुई चाय की पत्ती है, इसलिए थोड़ा कम कलर आता है और ये ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और जो आप फ्रेश चाय की पत्ती में एक गिलास पानी में आपको बहुत सारा 10 गिलास पानी मिलाना पड़ता है, इसलिए तो इसको भी आप डाल के और अपने प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी जो होती है उसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं इसको एक गिलास जो है, मैं इसमें कोई भी पानी डाइल्यूट नहीं करूँगी, इसी तरह से मैं डाल दूँगी। तो नाइट्रोजन से जब भरपूर हो जाएगा पौधा तो बहुत अच्छे से फूल भी खिलाएगा। तो आपको अब क्या करना है कि अगर आपको सूखी खाद, गोबर की खाद है या किचन वेस्ट है, तो देखिए मुझे तो अभी किचन वेस्ट नहीं डालना है, और सूखी अगर गोबर की खाद है आपके पास तो आप डाल सकते हैं, और किचन वेस्ट है तो डाल सकते हैं। लेकिन मैं तो अभी यहाँ पर फर्टिलाइज़र दूंगी, अभी मैं नहीं डालूंगी सूखी खाद, जब भी डालूंगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ ले रही हूँ ये सरसों की खली है, ये देखिए सरसों की खली का मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ है और आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी भी मिला दिया है। और मैं ये मेरे पास है तो इसको मैं सारा डालूंगी कि बहुत ज़्यादा, ये गाढ़ा नहीं है, पतला था, और ये लिया है मैंने पानी और इसी के अंदर मैं देखिए गिलास में डालूंगी और गिलास के एक गिलास में डालूंगी। देखिए फ्रेंड, एक गिलास इसके अंदर डाल दिया और एक गिलास में और डाल दूंगी इसी तरह से। तो ये हमारे प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। आप गुलाब के प्लांट में, गुड़हल के प्लांट में, अपराजिता प्लांट में और जितने भी फ्लावर वाले प्लांट हैं उनके अंदर आप डाल सकते हैं। देखिए अपराजिता प्लांट जो है फ्रेंड, कितनी अच्छी हमारी ग्रोथ भी कर रहा है। मेरा है ये, मैंने बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने देखिए इसकी टोपियारी बनाई हुई है। मेरा जो प्लांट, मैं अपने प्लांट को ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। और आप देख सकते हैं ये फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ से देखिए बर्ड बनी हुई है, जितनी भी ये बर्ड क्यों बनी हुई है फ्रेंड, यहाँ देखिए आप सारे जितने भी ये न्यू ग्रोथ हो रही है बर्ड बनी हुई है, क्योंकि फ्रेंड मैंने इनको कट किया हुआ है। मैं जब भी इनकी जो टिप होती है, देखिए मैं अभी दिखाऊंगी आपको, ये जो टिप है इसको मैं इस तरह से कट कर देती हूँ इस तरह से, तो इसलिए ये घना भी हो जाता है प्लांट और बहुत अच्छे से ये फूल देता रहता है। अभी जब तक इसको धूप मिलती रहेगी अच्छे से, और इसको बढ़िया धूप मिल रही है इसलिए फ्रेंड ये फूल दे रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने ये इसकी लड़ी डाली हुई है, जैसे कि बल्ब है ये छोटे छोटे से जो, और ये लड़ी डाल के मैंने डेकोरेट किया है गार्डन को, तो यहाँ से मैंने रखा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड क्या करूँगी, एक गिलास मैंने चाय की पत्ती का पानी डाल दिया है और एक गिलास ही मैं ये भी पानी, देखिए बहुत पतला बनाइए, अगर आपको सरसों की खली यूज करनी है तो बहुत पतला पानी बनाएं। और अब आप सरसों की खली का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अब हो गई है सर्दी तो इसलिए, और अच्छे से देना है। देखिए मैंने जितना इसको देखिए नीचे से अभी नहीं निकलने देना है, अगर नीचे से निकल जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा, और अच्छे से देना है जो पूरे मिट्टी में ये मिल जाए, ये जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं, ये नहीं कहीं दे दिया और कहीं नहीं हुआ है, तो आपको चारों तरफ से देना है, बढ़िया करके दे देना है, जिससे प्लांट की जड़ों में पहुँच जाए और अच्छे से प्लांट हमारा ग्रोथ भी करे और अच्छे अच्छे आपको फूल दे। तो ये है तरीका अभी आपको फ्रेंड फूल लेने का।
और मैंने आपको बता रही हूँ, इन टिप को अगर आप काटते रहेंगे तो आपके प्लांट जो है ना बहुत ज़्यादा घने बने रहेंगे और अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अभी आप प्लांट पर बहुत अच्छे फूल पा सकते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो पौधा है इसको भी मैं दे रही हूँ। ये फूल वाला पौधा है और इसका नाम क्या है मैं भूल गई हूँ, आप बताना फ्रेंड। देखिए मैं भूल जाती हूँ, और इसके पतझड़ हो चुका है। अब इस पर बहुत अच्छी अच्छी सी कलियाँ आएंगी और देखिए फूल खिल रहे हैं। अब मैं इसको गुलाब के अंदर भी डाल दूँगी। अभी मैंने बना लिया है, ज़्यादा बन गया है फ्रेंड तो, और एक गिलास में कड़ी पत्ता के अंदर भी डाल दूँगी। और ये जो है गुड़हल है इसके अंदर भी मैं डाल दूँगी। ये गुड़हल हाइब्रिड है फ्रेंड, और इसके अंदर भी देखिए कितनी अच्छी से कलियाँ बन रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये है गुलाब का, गुलाब के अंदर भी फ्रेंड बहुत अच्छे से कली बनी हुई है। एक कली नहीं है फ्रेंड, बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं, देख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड बहुत अच्छे से कलियाँ बन रही हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है प्लांट पर। तो इस तरह से आप केयर कर सकते हैं। अभी तो अपराजिता प्लांट हो या फिर गुलाब का हो, कोई भी प्लांट हो उसकी आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मुझे थोड़ी सी आप लोगों की मदद है फ्रेंड, आपकी अगर मुझे मदद मिलती रहेगी ना, आप लाइक करते रहेंगे वीडियो को, इतनी मेहनत करती हूँ, धूप में बनाती हूँ, छाया में बनाती हूँ, सर्दी में बनाती हूँ, गर्मी में बनाती हूँ, प्लीज़ आप लाइक तो कर दिया करें। बहुत कम लाइक मुझे मिलते हैं फ्रेंड, मैं बहुत नेचुरल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप भी इसी तरह से करके एक बार गार्डनिंग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए एक भी कोई पीली पत्ती आपको नहीं दिखेगी, बस आप ओवर वाटरिंग से इस प्लांट को बचाते रहें। ये जो प्लांट है ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मिट्टी सूख जाती है, पानी दे देना है, और मिट्टी अगर पूरी सूख जाए तो प्लांट पीली पत्तियां करने लगता है। तो मिट्टी में नमी बना के रखिए और आपका प्लांट हरा भरा बना रहेगा। थैंक यू।